कैसे वर्ड्स को क्रिएट करना है और कैसे आपको इंग्लिश के वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होता है, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है कि कैसे करना है उसका, मतलब कौन सा वॉवल्स जो होता है जिसको वाउल्स बोलते हैं, वॉवल्स कह सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप वाउल्स बोल सकते हैं। तो जो आपके वाउल्स होते हैं और जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये सबको हम कब कौन से आवाज में बोलेंगे, इसका मैं पिछला वीडियो बनाया हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नाम लिखना हो, हिंदुस्तानी नाम, या चैटिंग करना हो व्हाट्सएप फेसबुक इस जगह पर, आपको नॉर्मल हिंदी हिंदुस्तानी यानी हिंदी को आप इंग्लिश में केवल बदल देना, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं करना उसको, आपको अनुवाद नहीं करना है, अनुवाद करना वो अलग चीज़ हो जाता है, केवल आप उसी को इंग्लिश में कर दें। ऐसी चीज़ों को आप लिखने के लिए आप पिछली वीडियोज को देखिए, आपको कैरेक्टर्स लिखना समझ में आ जाएगा और किस तरीके से आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम बताने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्वरों के उच्चारण, जो आपके स्वर होते हैं, अभी आपको स्वर पता होना चाहिए, वॉल्स यानी वॉल्स जिसको बोलते हैं, वॉल्स कितने, देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉल्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉल्स, वॉल्स कितने प्रकार के थे, वाउल आपका कितना है, पांच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना है, पांच, पांच वाउल्स है आपके पास, कितने वाउल्स है, पांच, पांच में आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है कौन सा, एक होता है आपका ए, एक आपका कितना क्या होता है ए, और एक आपका होता है ई, और दूसरा आपका आई और ओ और यू, आपके चार और पांच कुल मिलाकर कितने वाउल हुए, पांच हो गए। पांच वाउल में आपको क्या करना है, इन सबका उच्चारण समझना है, प्रोनाउंसिएशन, आप अगर प्रोनाउंसिएशन समझ सकते हैं, जिसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं जब प्रोनाउंस कर लिखा जाता है, और जब उसमें टी आई ओ एन मतलब ये जुड़ जाता है, जब उसमें सन वाला जुड़ जाता है, आप उसको प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं, क्या, प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरीके से आप इनको उच्चारण करना सीखना है, कैसे, ए यू आई यू एकदम ईजी है। हम इसको पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो आपको देखिए, सबसे पहले इसमें हम बताना चाहते हैं ए का उच्चारण, किसका उच्चारण, ए का उच्चारण, ए का उच्चारण हम कैसे करेंगे इसको देखना है। तो ए के उच्चारण को आपको सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहला काम कि ए अगर आपका सिंगल आ रहा है, आपका कहीं पर ए अकेले आ रहा है, मतलब ए के साथ कुछ भी नहीं मिलके आ रहा है, अगर वर्ड अलग वर्ड में आए, मतलब इसके साथ ना आए, ए अकेले रहे, इसके साथ स्पेलिंग में कुछ और ना आए ए के साथ, तो आप ए को ए ना बोलिए, आप ए को क्या बोलेंगे, आप उसको आ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको आ बोलेंगे। साइड में देखते रहिएगा, आपको मिल जाएगा, साइड में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ए को आपको क्या बोलना है, आ बोलना है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, तो ठीक है, आपको देखना है जो भी चीजें आपको यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से सारे करके, यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल दिख रही होगी, ये सारी डिटेल आपको देख लेना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बोला कि ए आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे अकेले। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ए मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो ए मैन, इसको हम ए ना बोल के आ मैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आ मैन इज स्टैंडिंग देयर, आ मैन इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन होगा। और उसके बाद है ही इज ए लिखा हुआ है ना, तो ए गुड बॉय नहीं, आप उसको ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, बस इसी तरीके से आपको लिखना पढ़ना है। चलिए अब हम एक के साथ मतलब और चीजें क्या क्या बन के आती हैं, जिनका उच्चारण क्या हो सकता है। जैसे देखिए, कभी भी आपका ए हो, ए आई हो, ए वाई हो, ये तीनों अगर आते हैं, अगर आपको ये तीनों मिल जाते हैं, तो समझ लो कि आपका ये तीनों मिले तो समझ लो आपको उसको क्या बुलाना है, आप उसको छोटा ए बोलना है, मतलब छोटा एक मतलब एक ही मात्रा उसमें लगाना है, क्या मात्रा लगाना, एक ही। जैसे देखिए, क्या ए हो, ए के बाद ए आई हो, और ए आई के बाद ए यू हो, अगर इन सबको आपको लगा हुआ साथ मिले तो इसको आप ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए, ए आई, ए वाई, ए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, नेम में एन ए एम ई है, क्या, एन ए एम ई है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेम, क्योंकि इसमें ए आया हुआ है। फेम में इसी तरीके से फेम, इसी तरीके से गेम, अब इसी तरीके से जितनी भी चीजें बनाएंगे, जैसे देखिए, नेम फेम गेम टेम हेम, ऐसे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स बना के प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके बाद देखिए, इसी तरीके से रेट है, ठीक है, रेट मतलब मूल्य, आप समझते हैं रेट, और सभी का अर्थ भी लिखा हुआ है। और इसी तरीके सेम है, एप है, ठीक है, सेप है, पेन है, देखिए ए आई आ गया इसमें, पेन, आर ए, इसमें भी ए आई आ गया, रेन, इसी तरीके डी ए वाई आ गया आपका, डे क्या हो गया, ए वाई का आपका क्या हो गया, ए हो गया, ए वाई आर एस सेम, एस ए वाई, ए वाई को हम क्या बोलेंगे, ए की मात्रा, डे, मे, इसी तरीके से आपका मे होता है, एम ए वाई, मे, देखिए ए वाई आ गया इसमें, ए वाई यहाँ पर आ रहा है, तो ए वाई इसको हम क्या बोलेंगे, ए, तो इसका मतलब म पे ए की मात्रा, तो मे। ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से ये समझना है। अब आपका स्वर आता है, यदि आपका ए अकेले
कभी कभी ए को बोलता है, ए की प्रोनाउंसिएशन करता है। अगर आपको ए अकेले, मतलब ए अकेले नहीं, ए आपका किसी के साथ आ रहा है, इसके साथ ना तो आई आए ना तो वाई आए, ये दोनों कट जा रहे हैं, तब आपको ए बोलना है। जैसे देखिए कहीं जगह, देखिए जिसे यहाँ पर एसेज एस है, मतलब यहाँ पर एट है, क्या है एट, एन है, एंकर है, गैस है, मैप है, मैन है, कैट है, बस समझ गए। सभी को आप पढ़ के देख लीजिए, सभी में ए की आवाज कर रहा है। और ए को आप आ भी बोल सकते हैं, क्या आ, मतलब इसको हम बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं अ, जिसको बोलते हैं ए आ, क्या ए आ, ए आ मतलब ए आ, ए और आ, ए आ, ए बोलेंगे, एक मात्रा मतलब बोलेंगे, उसके बाद आ बोलेंगे, ए आ। जैसे देखेंगे क्या रहेगा तब ए को, जैसे यहाँ पर देखिए देयर, रेयर, डेयर, शेयर, अब इस तरीके देखिए इसमें ए आर ई आ रहा है, तो आप इसको ए आ बोल रहे हैं, ए आ। अब ए को हम और भी बोल सकते हैं, छोटा भी बोल सकते हैं, बड़ा भी बोल सकते हैं, तो बड़ा की आवाज का भी काम करेगा, छोटा की मात्रा की आवाज करेगा, तो अलर्ट, अग्री, अजर, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट करते हुए जाना और इनको समझना। मैं बोर्ड पर भी इसको बता देती हूँ, मुझे लिखना पड़ता है, अब इनको आप एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद जो भी चीजें बोर्ड पर बताने लायक होंगे बोर्ड पर बताएंगे, बोर्ड पर बताता हूँ, आप कुछ पुरानी वीडियो देखिए, बोर्ड पर ही समझाएंगे। अब ए के साथ ए डब्ल्यू आ रहा है तो, या ए को आप बोल सकते हैं, मैंने ए को क्या क्या भाषा समझा, ए को आप छोटा आ बोल सकते हैं, ए को आप बड़ा आ बोल सकते हैं, ए को आप छोटा ए बोल सकते हैं, ए को आप बड़ा आई बोल सकते हैं, इतने कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब एक आपका एक आ बोल सकते हैं, आ वाला आपका यहाँ पर आ गया, ए ए डब्ल्यू आ गया, तो जैसे देखिए टापे ए जब यहाँ पर आया हुआ, टॉल, हॉल, कॉल, औसम, ए क्या है औसम, अब इसको अवेसम नमत बोलना, औसम, ठीक है, बहुत बढ़िया से बोलो, ऑफुल, ऑफुल, जिसको हम फुल भी नहीं बोले, ऑफल, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब बोलता है अटापटा, क्या बोलता है इसको, अटापटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए ये देखिए आ गया ई, क्या ई को हम क्या क्या बोल सकते, चाहे आप ई अकेले हो, डबल ई हो, ई ए हो, इनको हम बड़ी ई की ही आवाज करेंगे, ये तीनों चीजें आए तो हम बड़ी ई की आवाज करेंगे। जैसे देखिए मी, एच ई में, इसमें भी ही, वीक, टीन, बी, कीप, वीक, हीप, सी, ये सभी कैरेक्टर्स इसमें मतलब देख लीजिए आपके क्या आ रहे हैं, या तो एक ई आ रहा है, या तो आपका दो ई आ रहा है डबल, या तो ई ए आ रहा है, तब हम बड़ी ई की आवाज कर रहे हैं। अब ई अकेले भी आता है तो कभी कभी उसको हम ए की मात्रा भी बोलेंगे, जैसे देखिए हैन, पेन, एंटर, सब ऐसे बोलेंगे। इसके बाद आपका आ जा रहा है ए की आवाज ई बोलते, ए की आवाज ई, सभी को जैसे इसको हम लिखेंगे, ई की आवाज को भी लिखेंगे, अभी ई को हम और क्या बोलेंगे, छोटी, छोटी बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, एलेवन, एंगेजमेंट, ठीक है। तो ई को हम क्या क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ई को हम बोलेंगे एक तो आपका छोटा ई, एक आपका बड़ा ई, एक आपका छोटा ए, इतनी चीजें आप एक इसको बोल सकते हैं, इसको आप इतनी चीजें बोल सकते हैं, ठीक है, हो गया। ई की आवाज खत्म हो, अब आ जाता है आई की आवाज, किसका, आई का उच्चारण, आई के उच्चारण को हम कैसे बोलते हैं, आई को आप पहले छोटी ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटी ई, छोटी ई में आपको देख रहे हैं ईट बोलेंगे, ईज बोलेंगे, एंजीवरी बोलेंगे, शिन में आई यहाँ पर शिन बोलेंगे, हिंदुस्तान, हिल, सभी में छोटी ई की आवाज कर रहा है। और ई को हम आई भी बोलेंगे, क्या आई, जैसे हाई, हायर, 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 रिटायर, स्क्वायर, अटायर, डायर, सभी में आई की आवाज कर रहा है, आई की आवाज कर रहा है, ध्यान देना सभी में। इसके बाद आई, आई और आई दोनों करेंगे, आई करेगा तो जैसे फाइल, नाइल, ग्राइंड, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंड, हाइड, फाइल, ठीक, चाइल, स्ट्राइक, काइट, ठीक, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, मतलब छोटी आई किसकी किसकी आवाज की पता चल गया, आई आपका आ का भी आवाज करेगा, किसका आवाज करेगा, आ का भी आवाज करेगा, यहाँ पर देखेंगे आ का भी आवाज, आ का जैसे फ्लर्ट, फर्स्ट, थर्ड, डर्ट, शर्ट, सिंक,
तो यहाँ पर भी देखेंगे सिंक लिखा हुआ है ना, सिंक सिंक मतलब सिर्क, सर्क है, क्या है सर्क। तो ये ऐसे आवाजें आपको समझना पड़ेगा। और सभी का माने भी लिखा हुआ है, मतलब उसका महत्व, उसका मीनिंग क्या होता है। एक छोट यहाँ पर ई के साथ ई हो, ई आई के साथ ई हो तो उसको हम बोलेंगे बड़ी, क्या बोलेंगे उसको हम बड़ी ई बोलेंगे। जैसे नीस, पीस, विलीव, इस तरीके से। अब आई ओ के साथ आए, आई के साथ ओ हो तो उसको हम आय बोलेंगे। जैसे लायन, जैसे आप बोलेंगे क्या लायन, राइट, आयन, ठीक है, इसी तरीके से आपके होते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर आई का। आई के बाद चलते हैं हम अगला, दूसरा हम बताते हैं ओ का। किसका? ओ का देखेंगे, ओ का। ओ का हम देखते हैं ओ और ओ डब्ल्यू हो तो हम इसको हम केवल ओ बोलेंगे। जैसे ओम, ओल्ड, ऑनली, मोर, बोल्ड, रोप, बो, स्नो, आईब्रो, ठीक, एलो, स्लो, पिलो, सभी में क्या है, या तो ओ डब्ल्यू है या तो ओ है, यही है, ठीक है। और इस तरीके से ओ को हम डबल ओ हो तो इसको हम बड़ा ऊ बोलेंगे, ये छोटा ऊ बोलेंगे यहाँ पर देखिए, और बड़ा ऊ भी बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर छोटा ऊ का आवाज है कुक, लुक, टुक, गुड। यहाँ पर टू, सूट, ग्रूम, लूट, इसी तरीके से। उसके बाद आ जाता है ओ का, आप छोटा अभी कहेंगे, ओ को हम क्या बोलेंगे, छोटा अभी बोलेंगे। जैसे देखिए डन, अपोज, ठीक है, अपोज, अकर, सन, सभी में आपका छोटा आ की आवाज कर रहा है, सभी में छोटा आ की आवाज कर रहा है। तो इस तरीके से छोटा आ की आवाज भी करता है। आगे चलते हैं ओ की आवाज को देखते हैं। तो ओ की आवाज में आपका यहाँ पर देखेंगे एक अ भी करता है, क्या आ जिसको बोलते हैं, जैसे ऑप्ट हो गया, ऑन हो गया, स्टॉप हो गया, लॉट हो गया, चॉप हो गया, शॉप हो गया, उसके बाद रॉब हो गया ना, इस तरीके से। इसके बाद ओ के साथ डब्ल्यू आता है तो आ बोलते हैं, ओ के साथ डब्ल्यू आए तो आओ, जैसे काउ, मिसावर, टावर, हाउ। और ओ यू को हम आओ बोलेंगे, इसको उसको आओ बोलते हैं, इसको आओ, आओ में डाउट, शाउट, आउट आ रहा है ना, आउट, अबाउट, राउट, सभी में आउ आउ आ रहा है, ते आउ आवाज करो। ओ के साथ आई है तो आई बोलेंगे, जॉइन, कॉइन, ना सभी में इसी तरीके से। ओ के साथ वाई आए तो आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आय, ठीक है, जॉय, बॉय, रॉयल, लॉयल, ठीक है, इस तरीके से। उसके तो बाद यू का कैरेक्टर आ जाता है, यू का आपको उच्चारण, यू में आपको छोटा ऊ बोलेंगे सबसे पहले, छोटा ऊ मतलब बोल, फूल, रायपुर। और फिर यू को हम छोटा आ भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छोटा आ भी बोलेंगे, छोटा आ जैसे सर, रन, बल्ब, अंडर, ठीक है, अंडर। उसके बाद आपका अटर, अर्जेंट, कट, बट, ये सब हो गए, ये सभी क्या हैं अभी आपके। अब इसके बाद आपका यू का आ जाता है, यू की आवाज में क्या यू खुद करेगा, जैसे यूज, सैल्यूट, ट्यूब, यूनिफॉर्म, ठीक है, गर्मी ज्यादा है भाई, तो यो बोलेंगे यू को, यो क्योर, टिन्योर, श्योर, लियोर, ये सारी आवाजें हैं यू की। अगर इतनी आवाजों को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, सा और सा के उच्चारण। अभी आ जाता है व्यंजन के, तो स्वर का सारा उच्चारण हमने यहाँ पर लिख दिया है, और स्वर के उच्चारण को आपने समझ लिया कब क्या क्या आप कैसे पढ़ना। अब व्यंजन के बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मीनिंग डेली यूजेज होने वाले वर्ड्स और डेली यूजेज होने वाले सेंटेंस को भी यहाँ पर हम देंगे, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में इसका मिल जाएगा, हम पूरा पीडीएफ भी दे देंगे। पहले इसको हम पढ़ाते चलेंगे, जितने दिन पढ़ाए थे उसका पीडीएफ मिलेगा, आप कमेंट करना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसका मिलेगा, जो भी बताए रहेंगे इसको आप इसको भेज देंगे हम, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है यहाँ पर और हमारे ज्वाइन करना है ग्रुप्स को, ओके। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, जय हिंद, गुड बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक।